अपनी मर्जी का मालिक है, न देखो न बोलो न सुनो। दो दिन में ईमानदारी का भूत उतर जाएगा। अरे कोई साथ नहीं देगा आपका, कोई साथ नहीं देगा। लेकिन मैं गांव जाकर अपने बाबा की आंख से आंख मिलाकर जरूर बोलूंगा। क्या सिंघम 3 में इस पॉपुलर अभिनेत्री की हो सकती है एंट्री? पिछली कहानियों के मुकाबले क्या बड़े बदलाव किए जाएंगे फिल्म में? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पलक गुप्ता है और मैं तहे दिल से आप सभी का स्वागत करती हूँ बॉलीग्राड स्टूडियोज में। आज की इस वीडियो में हम फिल्म सिंघम 3 की बात करेंगे, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सिंघम फ्रेंचाइजी की पॉपुलैरिटी से ही एक्साइटेड होकर रोहित शेट्टी ने फिर से सिंघम 3 को बड़े पर्दे पर उतारने का फैसला लिया, और हो भी ना क्यों, आखिर उनकी पिछली दोनों ही फिल्में दर्शकों को खूब पसंद आई थी और फिल्म को खूब प्यार मिला। आप जानते ही होंगे कि सिंघम और सिंघम रिटर्न्स की कहानी तमिल सुपरस्टार सूर्या की फिल्मों से ली गई है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सिंघम 3 तमिल फिल्म एक्शन हीरो बीजू की रीमेक होगी, लेकिन प्लान में कुछ बदलाव किए गए हैं। दरअसल इस फिल्म में सिंघम की कहानियों के विपरीत, जिसमें एक ही मेन विलन रहता है और हीरो को कई सारे केसेस सॉल्व करते हुए पुलिस की आम जिंदगी को दर्शाना होता है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ये बॉलीवुड ऑडियंस के टेस्ट से अलग है, इसलिए शायद अब रोहित फिल्म बदलना चाहते हैं और किसी दूसरी ही सुपरहिट फिल्म का रीमेक तैयार करना चाहते हैं। वह कौन सी फिल्म है, जानने के लिए आप क्या करेंगे, आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, और आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों, लेकिन हो सकता है कि एक्शन कॉमेडी सिंघम आने वाले दिनों में एक्शन थ्रिलर का ट्रैक पकड़ते नजर आएगी, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि सिंघम 3 रामचरण की सुपरहिट फिल्म ध्रुवा का रीमेक हो सकती है। क्या ये सच्ची खबरें हैं या झूठी, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से बाजीराव सिंघम को हमेशा एक नामचीन विलेन का सामना करना पड़ता है जिसकी समाज में बहुत इज्जत होती है, वैसे ही इस फिल्म में भी हीरो को एक सेलिब्रेटेड साइटेंट के खिलाफ लड़ना होता है और वो बहुत चालाक होता है। दोनों ही बीच चूहे बिल्ली का खेल चल रहा होता है, जो कि काफी ज्यादा रोमांचक होता है। हीरो विलेन में से कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है। एक समय ऐसा भी आता है जब विलेन हीरो पर ही हावी होने लगता है और हीरो अपनी करीबियों से एक एक करके खो देता है, लेकिन आखिरकार कहानी फिर से रस्ते पर आती है जब खेल की कमांड वापस हीरो के हाथ में आ जाती है और वह ऐसा ट्विस्ट लगता है और खेल को ऐसे घुमाता है जैसे कि यह खेल हमेशा से ही उसका हो। हम डिटेल्स इसलिए नहीं बता रहे ताकि आप बिना किसी सप्लायर के फिल्म का मजा ले सके। तो इस तरह की कहानी सिंघम के लिए परफेक्ट फ्लॉप वह बिल्कुल साबित होती है, क्योंकि इसमें एक्शन भी है और ये काफी ज्यादा ब्लॉकबस्टर होगी। इन्वेस्टिगेशंस भी, प्यार भी, नफरत भी, खुशी के पल भी और हेल्पलेस फील करवाने वाले मोमेंट्स भी हैं। एक और जरूरी खबर ये भी आई है कि हो सकता है कि ओरिजिनल फिल्म में ही नजर आई रकुल प्रीत सिंह ही हिंदी रीमेक में भी नजर आएंगी। वह सिंघम की सहायिका पुलिस का किरदार निभा सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये अजय और रकुल की दे दे प्यार दे और अपकमिंग फिल्म मेरे के बाद साथ में तीसरी फिल्म होगी। आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप फिर से इस जोड़ी को साथ देखना चाहते हैं या फिर आप किसी और को देखना चाहते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही फिल्मी दुनिया की सारी अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ बने रहे बॉलीग्राड स्टूडियोज में। इस वीडियो की स्क्रिप्ट उपासना पांडे ने लिखी है। शुक्रिया।